good morning everyone uh, so today we learn about the soil pollution okay so last lecture we discussed about the, uh, what is the meaning of pollution what is the meaning of pollutant okay then we will uh, we was discuss we was we discuss about the uh, air pollution okay their types okay uh, then uh, causes uh, then effects of air pollution control measures of air pollution various instruments are used to control the air pollution okay as well as we uh, we had to discuss about the water pollution okay the sources of water pollution uh, point sources non point sources uh, sources of water pollution natural source artificial source okay uh, then uh, we had to discuss about the uh, causes and impact of water pollution health hazard of water pollution okay as well as we discussed uh, yesterday we discuss about the uh, main three important diseases like uh, mini minamata disease is caused uh, due to methyl mercury okay then itai itai disease is caused due to the cadmium okay and as well as we discuss about uh, blue baby syndrome okay is caused is caused uh, due to a कर सकते हैं टाइप ऑफ पोल्यूशन इज अल पॉल्यूशन सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्लास सॉइल पोल्यूशन और सॉइल कंटेमिनेशन पार्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ओके क्या है एक लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है एंथ्रोपोजेनिकमिकल्स और अदर अल्टरेशन इन द नेचुरल सॉइल ऑफ इनवाइ ओके इट इज टिपिकली कॉस्ट बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एग्रीकल्चर केमिकल्स लाइक

और माइनिंग एक्टिविटी करते हैं ओके सो उसका अगर हम लोग ने इमर डिस्पोजल नहीं किया ओके okay? तो उसका इंपैक्ट सॉइल के ऊपर होता है ओके okay? एक्टिविटी अगर वहां वहां पे बारिश होती है फिर से के जो मटेरियल्स और जो मिनरल्स है वो सॉइल सॉइल में चले जाएंगे उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी उनका पीएच बढ़ जाएगा नहीं तो पीएच क्या होगा इज ए एसिडिटी और बेसिक सॉइल हो जाएगी ओके okay? सो so, वो सॉइल जो आने वाले वहां के जो प्लांट्स है अगर वहां पे अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसके लिए वो अनप्रोडक्टिव बन जाती है ओके सो दैट्स इसके वजह से क्या होता है सॉइल पोल्यूशन होता है और सॉइल कंटेमिनेशन होता है बट इस सॉइल पोल्यूशन और कंटेमिनेशन मोस्टली मोस्टली किससे होता है जीनोबायोटिक एक्टिविटी और द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इससे हम लोग कह सकते हैं कि इज मेड इंटरफेरेंस एट पर्टिकुलर साइट ओके सो अभी हम लोग देखेंगे कि सॉइल पोल्यूशन आखिर होता कैसे है ओके? सो पोल्यूशन मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर uh, कोई फैक्ट्री है ठीक है uh, आपको पता है एम रहती है ओके सो एग्जाम्पल साकन एम है शिरवल एम है सो so, वहां से uh, अगर कोई वहां पे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इंडुश्ट्र, है तो वहां का जो आउटलेटलेट आउटलेट रहता है कि से और कहां पे छोड़ा जाता है वेस्टलैंड में छोड़ा जाता है सो इज ए इंडस्ट्रियल वेस्ट ओके सो so, okay? so, एक किस में आएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट के वजह से क्या होता है सॉइल uh, पोल्यूशन होता है एज वेल एज अः अर्बन वेस्ट लाइक मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन uh, एक्टिविटी रहती है उसका जो पार्ट uh, रहता है खुदाई के बाद जब हम लोग नीचे का जो बेस बनाते हैं जब इन अः uh, बिल्डिंग का तो उसके बाद जो हम लोग इसमें अः uh, हिंदी में और मराठी में भी इसको uh, राडा रोड़ा कहते हैं मोस्टली सो so, जो वेस्ट रहता है वो भी अगर हम लोग किसी वेस्टलैंड पे या किसी सॉइल के ऊपर फेंक दे तो उससे भी क्या होता है सॉइल पोल्यूशन होता है इसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दे आर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट

आपको पता है यूरिए फाइव यूरनियम टू थर्टी एट ओके यूज करने के बाद उसका जो, जो पोल्यूटेंट रहता है वो एक ड्रम में भर के सॉइल एज अदरवाइज सी के नीचे उसको क्या किया जाता है डम किया जाता है इसके वजह से भी क्या होता है सोइल पोल्यूशन होता है क्योंकि उससे एक सम अमाउंट ऑफ क्या होता है रेडिएशन इमिट होता रहता है और उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है क्लास उस सॉइल की जो इकोसिस्टम रहती है उसके ऊपर उसका क्या होता है इफेक्ट होता है ओके एज वेल एज बायोलॉजिकल एजेंट या, ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंट अभी हम लोग एक एक करते जाएंगे या, देखो कैसे पे डायग्राम बताई गई है आपको कि एक्चुअली जो सॉइल पोल्यूशन है वो कैसे होता होता है ओके यहाँ पे देखिए अभी कि द इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट थ्रू इंडस्ट्रीज ओके Uh, अगर ये जो वेस्टलैंड है वहां पे छोड़ा जाए तो उसका भी होता है एज वेल एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज माइनिंग एक्टिविटीज ठीक है सो इसके वजह से क्या होता है सॉइल का क्या होता है डिग्रेडेशन होता है अगर ये जो कंपोनेंट है वो सॉइल में घुल जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाता है नीचे नीचे उसका इल्युवेशन और इल्युवेशन होता है और फिर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है और फिर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और एक एक नया कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है सो so, आपको पता होना चाहिए कि एक पोल्यूशन के वजह से दूसरा भी पोल्यूशन क्या होता है क्रिएट होता है ओके okay, आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री के नजदीक आप जाओगे तो वहां आप पे आपको नॉइस पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा एयर पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा सॉइल पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा ओके सो दिस आर दे इंटरकनेक्टेड नाउ नेक्स्ट स्लाइड सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन वट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन क्लास डिग्रेडेशन मीन्स खराब होना किसी कोई भी चीज हो वो क्या होना खराब होना और उसकी जो क्वालिटी है वो कम होना उसे हम लोग क्या कहते हैं डिग्रेडेशन ओके सो अभी हम लोग किसका डिग्रेडेशन देख रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन देख रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन इज द नथिंग बट द डिक्लाइन इन द सॉइल क्वालिटी मैंने देखो अभी आपको बताया था कि डिग्रेडेशन क्या होता है सो सॉइल डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन द दॉय क्वालिटी इज कॉज इंप्रॉपर यूज फॉर एग्रीकल्चर पास इंडस्ट्रियल और द अदर अर्बन पर्पजेस ओके सो ए जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो कैसे हो सकता है इट इनकम्पास द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिटोरेशन हो सकता है ओके okay? और वो वैसे होता भी है नाउ नेक्स्ट या कॉजेस ऑफ सोइल डिग्रेडेशन ओके सो कौन-कौन से कॉजेस है सोइल इरोजन इज द लॉस ऑफ टॉप सोइल इरोड्स ओके जो टॉप so, सोइल रहती है जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रहती है ग्रोथ के लिए प्लांट्स के ओके इट्स एज वेल एज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड रिड्यूसेस इट्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ओके एज वेल एज एक्सेसिव फार्मिंग कंस्ट्रक्शन ओवर ग्रेसिंग बर्निंग ऑफ ग्रास कवर एंडेशन एक्टिविटी अगर हम लोग ने एक्सेसिविंग uh, की एग्जाम्पल uh, एक्सेसिवल हम लोग uh, कह सकते हैं शुगर केन क्रॉप है ओके uh, देन okay? uh, हम लोग पंजाब में देखते है देन uh, गेहूं uh, है ओके okay? uh, उसकी ज अगर एक्सेसिव फार्मिंग हम लोग ने की एक्से मीन

जितना खाना चाहिए उससे भी ज्यादा खा लिया उन्होंने उसे हम लोग ओवरग्रेजिंग कहते हैं एज़ वेल एज़ द बर्निंग ऑफ ग्रास ऐसे एक मिथ है क्लास कि अगर हम लोग मोस्टली जो मिथ है वो हम लोग को गांवों के तरफ ज्यादा देखने को मिलती है आ, जो हमारे विलेजेस है वहां पे उनका ऐसा मिथ है कि अगर हम लोग ने जो पुराना घास है वो अगर जला दी तो उसके बाद जो आने वाला जो नया ग्रास रहेगा वो मोर प्रोडक्टिव रहेगा और उसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत फास्ट होगा okay? not that much true because, uh, ग्रास से क्या होता है क्लास? कि वो ग्रास क्या रहता है वन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो सॉइल में मिस होने के बाद क्या होता है कि ह्यूमस इंक्रीज होता है सॉइल का बट ये जलाने की वजह से अः की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी कम हो जाती है एज वेल एज वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस ग्रास के रूट uh, पे रहने वाले एज वेल एज वहाँ के जो एनिमल्स uh, है उस सॉइल पे जो स्कॉर्पियन रहेन स्नेक्स है ओके देन एंट्स है ओके okay? uh, okay? या छीटिया है सो so, उनकी डेथ हो जाती है सो इज अल्टीमेटली इफेक्ट ऑन सॉइल इकोसिस्टम सॉइल इकोसिस्टम के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और सबसे लास्ट में है डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन आपको पता ही है ओके सो द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन वन सिंगल ऑपरेशन ओके और द सीरीज ऑफ ऑपरेशन इसे हम लोग क्या कहते हैं डिफोरेस्टेशन कहते हैं और डिफोरेस्टेशन किसके लिए होता है आपको हम लोग ने पिछले सेमिस्टर में पढ़ा ही है फॉर द पर्पज ऑफ द मेकिंग फर्नीचर ओके मेकिंग बोर्ड्स मेकिंग क्रिकेट बैट्स इसके लिए डिफोर्स एक्टिविटी होती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन ओके सो और कौन कौन से अगर हम लोग ने कंटिन्यूसली मोस्टली ये जो वॉटर साल्ट और सो कॉज होता है क्लास मोस्टली और जो डिग्रेडेशन होता है इस कॉज ड्यू टू द

क्रॉप के लिए ज्यादा ओवर इरिगेशन किया जाता है कि उसके वजह से भी क्या होता है सलाइजेशन होता है और उसके वजह से भी क्या होता है सॉइल का डिग्रेडेशन होता है एज वेल एज अगर हम लोग शुगर केन का क्रॉप प्रोड्यूस uh, कर रहे हैं तो उसके लिए मोर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड हम लोग को स्प्रे करना पड़ता है और किसके लिए हम लोग करते हैं हम लोग को ज्यादा से ज्यादा उस, उससे प्रोडक्टिविटी मिले ओके, okay? सो so, उसका ज्यादा यूज होने के वजह से भी क्या होता है सॉइल का डिग्रेडेशन होता है ओके, okay? और एट द एंड इज सॉलिड वेस्ट और ये जो सॉलिड वेस्ट है, वो कौन सा भी हो सकता है क्लास, रॉक्स, hey, अलग अलग रॉक्स मिट्टी भी हो सकती है देन uh, जो इंडस्ट्री का जो सीवेज है ड्राई स्लज है वो भी हो सकता है एज वेल एज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का Uh, जो रेडियो वेस्ट है वो भी हो सकता है ओके इस बिकॉज इज अ सॉलिड ना वो ड्रम में भर के उसको uh, अच्छे से पैक करके वो रखते हैं फिर भी उससे रेडिएशन इमिट होता रहता है इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट ओके सो दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ द सोइल डिग्रेडेशन ओके अभी हम लोग प्लस uh, सॉइल पोल्यूशन में क्या देख रहे हैं कि ये सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है

एंथ्रोपोजेनिक और जीरो हार्मुल रिपीट कर रहा हूं क्लास दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल सॉइल इन एंड जीनोबायोटिक सॉइल यूरोजन ओके सॉइल यूरोजन देखो यहाँ पे डेफिनेशन में भी बताए स्लाइड पे इज अचुर ऑकरिंग प्रोसेस

माइनिंग एक्टिविटी ओके देन अर्बन एक्टिविटी ओके अगर किसी इंडस्ट्री uh, फॉर्म करनी हो तो वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है सॉइल इरोजन हम लोग को देखने को मिलता है मोस्टली इन एग्रीकल्चर सॉइल इरोजन रेफर्स टू द वेरिंग अवे द फील्ड टॉप सॉइल जो टॉप सॉइल रहती है मैंने जैसे आपको कहा कि जो सॉइल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो क्या होती है is due to the natural physical forces of water and wind through a force associated with the farming activities such as tillage. okay ये हो गया सोयल इरोजन के बारे में। अब ये हम लोग देखेंगे कि लैंड पोल्यूशन क्या है। okay so uh, what is the land pollution? okay the results of man's misuse of the soil. okay ह्यूमन क्या करता है मिस यूज करता है सॉइल का ओके डिग्रेडेशन ऑफ द हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ द लैंड ओके वेल द एडिशन ऑफ द अनडिजायरेबल मैटर टू द लैंड मैटर दैट डैमेज द टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द लैंड ओके सो मोस्टली लैंड पोल्यूशन क्या है कि जो uh, जो लैंड है उसकी जो क्वालिटी है उसकी जो हेल्थ है वो क्या होती है डिग्रेड होती है वो क्या होती है वो क्वालिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है उसे मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं लैंड पोल्यूशन कहते हैं और एक कौन करता है क्लास मोस्टली ह्यूमंस करते हैं ओके ओके या सो अब अभी हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ पोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर पोल्यूशन की वजह से इंटेंसिव हजबी अभी हस्बेंड्री क्या है इंटेंसिव ऑर्डर हस्बेंड्री क्लास मोस्टली हम लोग इसे कह सकते हैं लाइफ स्टॉक की केयर करना उसमें क्या किया जाता है क्लास कि उनके लिए uh, अगर जो लाइफ स्टॉक है लाइक बफेलो काउ उन्होंने ज्यादा सॉरी अगर उन्होंने ज्यादा फीडिंग एक्टिविटी और ज्यादा ओवर एक्टिविटी की तो उसके वजह से भी क्या होता है सॉइल पोल्यूशन होता है एज वेल एज द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन फंजीसाइड हर्बिसाइड पेस्टिसके अलावा हम लोग अभी देखेंगे कि अदर कौन कौन से लैंड uh, पोलूशन के कॉजेस है ओके सो ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हम लोग ने देखा है कि एक्मलेन ऑफ एनिमल मैन्यूर्स देखा था एक्टिविटी माइनिंग एक्टिविटी माइनिंग एक्टिविटी मीन्स की जहां से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं आयन ओल ओके बॉक्साइड ओके मैगनीज और भी है लाइक माइका है लाइम स्टोन है किसके लिए यूज होते हैं मोस्टली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं रिसर्च के लिए यूज होते हैं बट ओवर यूज ऑफ माइनिंग और क्वेरिंग करें ओके तो क्या होता है क्लास इज ए एक्सप्लोसिव टू द ब्लो ऑफ द माइन्स एज वेल एज द यूज ऑफ मशीनरी विच इमिट्स The toxic byproduct that leak to the ground. अब लोग क्या करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे क्या करते हैं मशीनरी यूज करते हैं ओके और उस मशीनरी के वजह से भी क्या होता है एक उस जो मशीनरी यूज करते हैं उसका और मिनरल्स का रिएक्शन होके फिर से एक टॉक्सिक बायोप्रोडक्ट भी क्रिएट हो सकता है ओके और वो अगर ग्राउंड में लीक हो जाए तो उसके वजह से भी क्या होता है लैंड पोल्यूशन होता रहता है ओके नेक्स्ट इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं ओके और अर्बन एरिया अर्बन एरिया में से बहुत से ऐसा जो सीवेज स्लज है वो उसका इम्प्रॉपर और इनएडुकेट क्या किया जाता है डिस्पोजल किया जाता है ओके <coughs> इम्प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम है ओके हमारे इंडिया में इज अ फैक्ट ओके उसको कोई भी आ, आ, जुटलाया नहीं जा सकता ओके, सो और सिस्टम जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती चली जाती है ओके एज वेल एज ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था कि सॉलिड वेस्ट डंपिंग ओके और ये सॉलिड वेस्ट डंपिंग कौन कौन सी हो सकती है जो हम लोग का जो अर्बन एरिया का जो वेस्ट uh, है कचरा है वो किसी एरिया पे जाके ओपन डॉम्प करना ओके, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ओके, अगर हम लोग ने वो सॉलिड वेस्ट बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो जल के नीचे की से क्या होता है उस सॉइल में क्या रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है इज ओके एज द हजार्ड्स ऑफ द वेस्ट सॉइल्स एंड ऑन द

ओके okay? जो बरो करके जो एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर उसका क्या होता है इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है और आपको पता है कि बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म है माइक्रोफोना और मैक्रोफोना है कि जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay? क्वालिटी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता है अर्थवर्म का यूज क्या है ओके okay? या yeah, तो आप ढूंढिए वो अर्थवर्म का यूज फार्मर्स के लिए क्या है सो so, उसका भी क्या होता है सॉलिड वेस्ट डंपिंग की वजह से उसके ऊपर अर्थवर्म के ऊपर भी क्या होता है इम्पैक्ट होता है सो दिज आर कॉजेस ऑफ द लैंड पोल्यूशन ओके देन या सो आप लोग अभी देखेंगे कि इफेक्ट्स ओके इफेक्ट्स क्या होता है ओके okay, जेस देख लिए इफेक्ट क्या होता है इट्स फर्टिलिटी इट रिड्यूस द नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिविटी लेग्यूमिनस क्रॉप है ओके okay, उनके जो रूट्स रहते हैं उसके ऊपर राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम है ओके okay, वो क्या करते हैं उसके ऊपर रहता है ओके या सो वो क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प uh, करते हैं और इस ए हो गया मोस्टली uh, जो लेग्यूमिनस क्रॉप है उसके लिए ओके और जो uh, मोनोकोटिल uh, मोनोकोटिलिडोन जो क्रॉप है ओके उनके रूट्स के ऊपर मोस्टली जो uh, ज्वार है बाजरा है ओके उन उनके ऊपर जो मोस्टली ग्रासेस पे से उसके ऊपर रहता है एजोस्पिरिलियम एंड uh, एजोटोबैक्टर ओके वो माइक्रोऑर्गेनिज्म uh, हम लोग को देखने को मिलते हैं तो अगर कोई हजार्डस वेस्ट किसी सोइल में डम किया है तो उसका इंपैक्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है और ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से फार्मर्स को बहुत हेल्प होती है एक क्लास ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है ओके सो उनके ऊपर इफेक्ट होने की वजह से इज अल्टीमेटली इज रिड्यूस द नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिविटीज एज वेल इंक्रीज दिलिटी ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था अभी इंडस्ट्रियल इफेक्ट कौन कौन से है डेंजरस द केमिकल्स एंटरिंग द अंडरग्राउंड वॉटर ओके अगर हम लोग ने किसी जो सॉलिड वेस्ट है अगर वहां पे हम लोग ने कर दिया ओके आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जो वाटर क्या होता है लिचेट होता है नीचे 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 ओके अगर वो वाटर उस जो केमिकल में मिक्स होने के मिक्स अगर हो गया तो वो क्या होगा सॉइल में फिर से मिक्स होगा वो फिर से नीचे इलुवेशन इलुवेशन करके फिर से क्या होगा नीचे जाके अंडरग्राउंड वाटर क्या क्या करेगा अः uh, जो अंडरग्राउंड इम्पोर्टेंट वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर देगा ओके? 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 बढ़ती है, okay? as well as the vegetation, okay? इसके अलावा अर्बनाइजेशन के इफेक्ट देखेंगे अभी हम लोग ओके okay? अर्बनाइजेशन इफेक्ट्स में क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स ओके ये मोस्टली हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी ओके okay? इसके अलावा इनंडेशन ऑफ एरिया शन ऑफ एरियान पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल एज द वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम ओके द पोल्यूशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस क्या है इफेक्ट है ओके okay? इसके अलावा या अभी हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया ओवरऑल जनरल पॉइंट्स uh, मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी जब हम लोग पोल्यूशन और उसके टाइप्स देख रहे थे तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी जो बैटरीज है ओके okay? जो मोबाइल की बैटरीज है उसमें लिथियम आयन बैटरी रहती है ओके okay? सो so अगर वो जो कंपोनेंट है सॉइल में मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है कि वो केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है ओके या सो ऐसे बहुत से से पोल्यूटेंट है उसके वजह से क्या होता है ह्यूमंस के उस ऊपर उसका लार्ज इंपैक्ट होता है क्लास ओके okay? यहाँ पे आप लोग देखिए इज द मेन सोइल पोल्यूटेंट लीड ओके मोस्टली माइनिंग एक्टिविटी के वजह से व्हीकल एग्जॉस्ट ओके व्हीकल एग्जॉस्ट के वजह से भी क्या होता है ये जो पोल्यूटेंट uh, है ओके okay, लीड वो सोइल में चला जाता है उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है क्लास ह्यूमंस के ऊपर भी देखने को मिलता है बहुत बड़े पैमाने पे ओके इट्स अफेक्ट द नर्वल सिस्टम एंड द मेमोरी ग्रोथ ओके जो हमारी नर्वस सिस्टम है मेमोरी ग्रोथ है ओके okay? उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसके वजह से क्या होती है धीरे-धीरे कम होती चली जाती है ओके okay? इस देखो और उसके वजह से क्या होता है लर्निंग डिफिकल्टीज अगर हम लोग का धीरे-धीरे मेमोरी लॉस हो जाए अगर हम लोग हमारी मेमोरी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाए तो क्या हो जाता है लर्निंग डिफिकल्टीज हम लोग को देखने को मिलती है ओके? वेल या तो हम ने कल भी डिस्कस किया था वाटर पोल्यूशन में ओके सो मर्क्यूरी के वजह से भी हम लोग ने वाटर पोल्यूशन में देखा था मिनिमाटर डिसीज होता है ओके okay? सो so, ये भी वन ऑफ पोल्यूटेंट है uh, इसके

हो सकता है तो हम लोग इसका आ, कैसे कंट्रोल करे फिर अभी हम लोग देख रहे कि ये हो रहा है पोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग इसे कंट्रोल करे तो कैसे करे ओके सो वी यूज अ स्पेसिफिक पेस्टिसाइड स्पेसिफिक फर्टिलाइजर इन मिनिमाइज्ड वे ओके हम लोग कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं जो फर्टिलाइजर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं बट उसका उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं शिफ्ट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फार्म यार्ड ओके जो uh, mostly, जो मोस्टली uh, डंग रहता है उसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ओके एज वेल एज कंट्रोल ग्रेजिंग कर सकते हैं हम लोग ने देखा कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल ग्रेजिंग कर सकते हैं अभी ये कंट्रोल ग्रेजिंग कैसी होगी क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रू अवेयरनेस एक्टिविटी थ्रू एन जी एंड गवर्नमेंट ऑथोरिटीज ओके सो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम रख सकते हैं विलेजर्स में स्पेसिफिक विलेजर्स में ओके okay? वहां पे जहाँ पे ओवर एक्टिविटी हो रही है उनको हम लोग बता सकते हैं थ्रू अ डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म से कि ओवरग्रेजिंग के वजह से आपकी लैंड की डिग्रेडेशन को, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रही है तो उनको बता सकते हैं कि अगर हम आपने आ, मंडे को यहाँ पे आप लोग ने ग्रेजिंग की हो ओके आपके एनिमल्स ने की हो तो आप नेक्स्ट मंडे ओके या आफ्टर फिफ्टीन डेज आपको यहाँ पे रिपीट करना है टुमारो आपको यहाँ पे नहीं आना है ओके okay. सो so, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं अवेयरनेस कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी की वजह से भी बहुत बड़े पैमाने पे सॉइल पोल्यूशन होता है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन में डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी ज्यादा होती है सो so, उससे भी क्या होता है डिग्रेडेशन uh, होता होता है सो so, हम लोग क्या कर सकते हैं अफोरेस्टेशन एक्टिविटी रिफोरेस्टेशन एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं एज वेल एज हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनिक खाद है वो फार्मिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं ओके okay? इसके अलावा जो थ्री आर है रिड्यूस रिसाइकल रियूज एंड रिड्यूस ओके जो थ्री आर है रिड्यूस रियूज़ एंड रिसाइकल एंड फोर इंपॉर्टेंट आर इज अ री थिंक ओके okay? थिंक करके आपको क्या करना है जो कोई भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसका आप लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं रिसाइकलिंग कर सकते हैं ओके okay? और क्या कर सकते हैं वो कंपोनेंट यूज करना छोड़ सकते हैं उसके अलावा दूसरे अल्टरनेटिव कंपोनेंट यूज कर सकते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दॉइल प्रोडू सॉइल पोल्यूशन

की आर्सेनिक आर्सेनिक वजह से क्या हो सकता है आर्सेनिक की वजह से स्किन uh, कैंसर हो सकता है लिंग कैंसर हो सकता है स्किन डिसीजेस हो सकते हैं ओके सो दिस आर वेरियस प्रॉब्लम्स ओके ये उबर के आते है किसके वजह से सॉइल पोल्यूशन होने के वजह से ओके सो ये हम लोग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है टूडेज टॉपिक सॉइल पोल्यूशन